आज पूरे देश में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मनाई जा रही है। इस दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चलती आ रही है। बता दें कि यह त्योहार रमजान के पवित्र महीने के ठीक 70 दिन बाद मनाई जाती है। वहीं अब ईद के इस पावन पर्व का जश्न मनाने में हमारा बी टाउन कैसे पीछे रह सकता है। फिर क्या बॉलीवुड में भी ईद उल अजहा का जश्न देखने को मिल रहा है। दरअसल बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस कहे जाने वाली गौहर खान ने ईद उल अजहा के मौके पर एक खास तस्वीर शेयर करती हुई देखी गई है। दरअसल अभी 2 महीने पहले ही गौहर खान मां बनी है। ऐसे में बकरीद के इस खास मौके पर गौहर खान ने बेटी की फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने व्हाइट कलर की एक टी शर्ट पहनी है, जिस पर लिखा है, मेरी पहली ईद उल अजहा मुबारक हो मम्मी और अब्बा। गौहर ने कैप्शन में लिखा है, ईद मुबारक, इस ईदी के लिए मामू को धन्यवाद। हैशटैग आउटफिट और अब्बा ने उन्हें उनकी पहली जन्माज और टोपी दी है। हालांकि इस फोटो में गौहर ने अपने बेटे जिहान का चेहरा नहीं दिखाया है। गौहर खान और जैद 10 मई को जिहान के पेरेंट्स बने थे। वहीं सोशल मीडिया पर इस कपल ने अपने बेटे का नाम का मतलब भी साझा किया था। उन्होंने बताया था कि जिहान नाम का मतलब होता है चमक, सफेदी, सूखा, समृद्ध, संपन्न और प्रगतिशील। आपको बता दें कि गौहर खान ने प्रेगनेंसी के बाद से अपना काफी ज्यादा वेट भी लूज कर लिया है। एक्ट्रेस ने महज 10 दिनों में 10 किलो वजन घटाया है। वहीं मिरर सेल्फी को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा था, डिलीवरी के 10 दिन में 10 किलो वजन घटा लिया है और अभी 6 किलो वजन और घटाना है। वहीं गौहर खान के इस कदर अपना हेल्थ कम करने के कारण सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें जमकर ट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि गौहर खान ने अभी तक अपने बेटे का चेहरा रिवील नहीं किया है, लेकिन एक्ट्रेस अपने बेटे की नर्सरी और मां बनने के बाद उनकी कैसी हालत हुई है, इस सारी चीजों की जानकारी अपने फैंस को अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करती रहती है, जिस पर फैंस भी अपना जमकर रिएक्शन देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब से हटकर बकरीद पर गौहर खान की बेटी की ये तस्वीर आपको कितनी पसंद आई है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब की ईस्ट दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।